हेलो फ्रेशर्स और न्यू ज्वाइनर्स, आपने अभी भी बोर्ड का आपके बर्डन हटाए, अब आपका घर लॉकडाउन आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि भी स्कूल काफी अच्छे जाएंगे, है ना, कि अभी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, जुलाई से एडमिशन कराएंगे, लॉकडाउन हो गया, घर वाले भेजते हैं, तो ऐसा नहीं है बेटा। मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा जो 11th में मेडिकल नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक संदेश है, बहुत अच्छा संदेश है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हालांकि मेरी हैंडराइटिंग बड़ी गंदी दिख रही होगी ब्लैक बोर्ड पे, बट हैंडराइटिंग डजंट मैटर, आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, है ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप 11th और 12th में नॉन मेडिकल लेना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात ना, आपको शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, अगर आप मेहनत कर लोगे तो बाद में आपको इजी जिंदगी हो जाएगी। सपोज अभी आपके 2 साल, फिर 4 साल, अभी आपने अच्छी मेहनत करी, है ना, नॉन मेडिकल ले ली, बहुत अच्छा मेहनत किया, रिजल्ट अच्छा, मेहनत का ये मतलब नहीं लगे रहो भाई हमेशा लगे रहो, जितना कराया जाए स्कूल में घर में उतना अच्छी तरह कर लो, दिमाग में माइंड में सेट कर लो, क्योंकि रटना नहीं है, हमें समझना है चीज। पहली बात फिजिक्स पे आते आप कह रहे होंगे बॉल कर रहे सर, वो थोड़ा सा आपके करियर को लेकर छोटा मोटा डिसीजन है। जिनको स्टार्ट करनी है वो तो बेटा आ जाओ अभी से ही फील्ड में। अगर आपको एनडीए वगैरह भी करना है तो उसकी गारंटी मेरी रही, आपको फिजिक्स की तो प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, मेरी गारंटी रही ना, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना है जो स्कूल्स में है उसके रिगार्डिंग से कोई इशू नहीं है, एनडीए का क्लियरेंस मेरी तरफ से रहा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, उसकी तो बात है मेरी। आईआईटी अगर आप अच्छा कर सकते हो, आप हर चैप्टर को समझ सकते हो भाई दिमाग में, आईआईटी तक का भी मैं बच्चे को देख के बता दूंगा भी क्लियर करेगा नहीं करेगा टेस्ट लेके। और फिजिक्स तो हमारी बात ऐसी है, फिजिक्स पे आए सबसे पहले तो फिजिक्स की छोटी सी डेफिनेशन पहले तो यही है, जो इसमें आपका ना पूरा फिजिक्स समाया हुआ है, ये फिजिक्स मैंने लिखा नहीं है, इसकी डेफिनेशन भी है जिसमें आपका पूरा फिजिक्स समाया हुआ है। क्या है? इट डील विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है बेटा, इट डील विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ये आपकी जो डील करेगी ना नेचर और नेचुरल फिनोमेना से डील करेगी, फिजिक्स कुछ नहीं है, जो आपके आसपास में घटित हो रही चीज है। सपोज मैं चल रहा हूँ, ये फिजिक्स है, फैन चल रहा है, ये मोशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी करंट की आपकी फिजिक्स है ना, जो आप एयर चल रही है इसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी का मोशन बढ़ जाएगा, इट इज अ फिजिक्स। फिजिक्स कुछ नहीं है, केमिस्ट्री कुछ नहीं है, मैथ्स भी कुछ नहीं है, आपका जितना नेचर में चीज है ना साइंस सारी उसमें बसी हुई है। हालांकि मैथ्स में थोड़ी कैलकुलेशंस है हमारी, मगर वो भी आपको काम आई जाती है, फिजिक्स में भी मैथ्स आपकी काम आती है, पहली बात है ना। और दूसरी बात कि अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना, फिजिक्स की डेफिनेशन आपको करा दिया कि नेचर में इसके सारे जितने भी आंसर है सारे नेचर में छुपे हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन है, चाहे आपकी प्रदीप हो, चाहे आपका आईआईटी हो, वो कुछ भी हो, इस डेफिनेशन से आपकी पूरी फिजिक्स सॉल्व होती है, है ना। अब मेजरमेंट पे आ लेते हैं, क्या होता है मेजरमेंट, आपने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, स्पीड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो ऐसा वैसा सारा किया है ना, वो सारा अप्लाई करेंगे अभी। तो मेजरमेंट में मैं अगर मेजरमेंट को कहूं तो आप मेजरमेंट को क्या लिख सकते हो, सेकंड वर्ड ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि आपकी फिजिक्स नेचर में सुपीरियर, अमेजिंग फिनोमिना, है ना, जैसे नेचुरल है उसका फिनोमिना, ऐसे एक मेजरमेंट का फिनोमिना होगा अमेजरमेंट फिनोमिना, तो अब इसी केस में हम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा रूबरू करा लूंगा, हमारी 7 चीजें होती है ऐसा यूनिट में जो हमारी डिस्क्राइब कर रखी है। फर्स्ट आपकी लेंथ हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे कुछ भी हो, उसे हमें लेना है आपका मीटर में, ऐसा यूनिट है मीटर, स्मॉल एम से डोनेट करते हैं, बड़े एम से हम मीटर में ले लेंगे, स्मॉल एम से डोनेट कर। सेकेंड आपकी जो थिंग आ जाएगी करंट, आई से डोनेट करते हैं करंट को, और इसकी एम्पियर लेते हैं,
बस ये सात ही है, और कौन कौन सी होती है बेटा? ह्यूमनेस इंटेंसिटी होती है, इसको कैंडला में लेते हैं, इसको सी भी लिखते हैं, ठीक है, सी बड़ा छोटा। और आप चार सौ सोचो दिमाग लगाओ, कौन कौन सी ऐसा यूनिट होती है, आप दिमाग लगाओ बेटा क्विक। और कौन कौन सी होती है बेटा, सोचो, पानी पी के आया था मैं। मास भी तो होता है आपका, देखना चाह रहा था मैं आपका दिमाग कितना, तो केजी में लेंगे हम इसको, हम हमेशा किसी भी स्टेट में जाएंगे, किसी भी उसमें जाएंगे हम केजी में लेंगे। टेम्परेचर नापते हैं, उसके बाद आपका स्मॉल एक चीज होती है जो मैटर को मेजर करती है ना, मैटर या सब्सटेंस, मैटर ऑफ सब्सटेंस कह लो, कुछ भी कह लो, मैटर ऑफ सब्सटेंस। ये मोल होती है। टेम्परेचर केल्विन में लेंगे हम, इंटरनेशनल जो यूनिट है किसकी, टाइम को सेकंड में, 1 2 3 4 5 6 7 देख लीजिए आप एक बार, सात होती है ये। हो गया, देख लिया आप सबने। नेक्स्ट अब इनके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे कि भी कैसे कैसे है, क्या क्या होगा। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है हमारी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी होंगी पहले, क्वांटिटी किसे कहेंगे, सबसे पहले वर्ड है आपका क्वांटिटी, किस चीज को हम क्वांटिटी कहेंगे, अ सब्सटेंस इज मेजर, है ना, अ सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय स्पेसिफिक यूनिट, अ सब्सटेंस विच मेजर स्पेसिफिक यूनिट, जो आपकी यूनिट बनाई गई है, इसमें बेटा सारी आ जाएंगे आपकी, है ना, ये तो आपकी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज, वो आपकी मैंने आपको साथ लिखवा दिया फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना, वो आपकी साथ होंगी फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपल सी बात है, देख लीजिए। अब आपके यहाँ सिस्टम भी कई तरह के होते हैं, ऐसा यूनिट कह रहा था उसको बताता हूं, क्योंकि इन फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट्स वगैरह होती है, एक तो इंटरनेशनल होती है, एक सीएमएस होती है, स्टेट्स की हर किसी की अलग अलग होती है, जैसे हम कहते हैं ना भाई एक पाव वो 250 ग्राम आएगा, मगर हम कह देते हैं एक पाव, आधा पाव, ये पाव, अपने अपने अलग हो जाती है वो स्टेट्स वाइज, ऐसी हमारी यूनिट्स होती है, हम यूनिट्स को लेते हैं एसआई में, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दिख रहा है,
इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कहेंगे। बेटा ये बहुत एक कहानी है, मैं आपको इसको बताऊंगा। पहले ना ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं थी, कहीं पाउंड था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था, वेट मेजरिंग करने का या टाइम का या कुछ भी, कोई मिनट में लेता था कोई हाफ में। तो इंटरनेशनल लेवल के सभी 208 कंट्रीज, पहले तो थोड़ी सी 200 थी, फिर बड़े हो गए, रूस में से एक कट गया, वो कट गया, तो एक बहुत बड़ी स्टोरी है कटने का भी, अलग अलग कंट्रीज का, हर एक महाद्वीप में से कोई ना कोई अलग अलग कंट्रीज, काफी सारी कंट्रीज में बट गई। तो ऐसे ही कुछ पहले, बहुत सालों पहले, हम 16 ईयर्स या आपकी 17 18 सेंचुरी की बात करें, उस समय ऐसे होता था, आप हमारे घर से एक किलो आटा किलो के हिसाब से नहीं मिलता था, आटा पिसा हुआ है एक प्लेट या थाली या प्रात भर के आटा लेंगे और वो एक प्रात भर के आटा वापस ले देना होगा, ऐसे होता था ना, या गेहूं या कुछ भी गुड्स, आपके गुड्स कह लो उन्हें, मगर उसमें थोड़ा कम ज्यादा होने लगता था, है ना। तो इंटरनेशनल लोगों ने एक चीज करी कि सबका ना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, एक इंटरनेशनल सिस्टम में कि अगर मास है एक किलो में, चाहे वो इंग्लैंड में हो, वो एक किलो का ही होगा, उसमें 1000 ग्राम ही होंगे, चाहे इंडिया में हो, चाहे यूके में हो, कनाडा में हो, कहीं भी हो, 1000 ग्राम और वो एक किलो सबका इक्वल होता है। एक इंटरनेशनल सिस्टम्स के यूनिट्स के वो बना जाते हैं म्यूजियम, उनका हिसाब से तोल के हमारे सारे स्टैंडर्ड करे जाते हैं, यानी कि बिना तोले हमने ईटों को घिस घिस के, जैसे करते हैं ना हमारे इंडिया वाले भाई, बहुत हम इंडिया का ग्रेट साइंटिस्टों से भरा हुआ है, तो वहां हम ईट पत्थरों को तोड़ फोड़ के एक किलो का बना लेते हैं, इसको इक्वल में रख लिया, मगर ऐसे नहीं होता है, उसका ठोस वगैरह उसका मटेरियल देख के तब किया जाता है। एक किलो आयरन रखा गया था, इसका ऐसे टेम्परेचर का एक क्लॉक है, एक सेकंड करा गया था, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेकंड थी, सेकंड का एक भी हिसाब खराब हो जाता है ना, तो वेलोसिटी में बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए सेकंड ले लिया। ऐसे टेम्परेचर का केल्विन ले लिया, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फारेनहाइट में, मगर हम केल्विन ही लेंगे उसका, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पे इनको सबको प्रमाणित करने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक लगाए गए थे कि भी सेल्सियस भी ले लिया, फारेनहाइट भी ले लिया, फिर केल्विन भी, आके बात होगी, सिंपल बात। नेक्स्ट वन इज कि अब हम इसके बाद कल करेंगे जो भी है, और आप प्लीज जुड़ जाइए सारे क्लासेस में, ऑनलाइन क्लास जो भी आपके है, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, और आपको अगर अच्छे से करना है तो उसकी मेरी गारंटी एनडीए फिजिक्स क्लियर कराने की, और आईआईटी का भी अगर बच्चा पंचुअल है, ठीक है ना। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।